वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म यानी कि सलार के बारे में। तो तकरीबन 3 घंटे के रन टाइम के साथ आई प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म सलार एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो मेरे लिए पर्सनली एक काफी सेटिस्फाइंग मास फिल्म साबित होती है। डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर बहुत ही इजिली नोटिस किए जाने वाले फ्लॉज हैं, पर कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर नजर आने वाली मजबूत वर्ल्ड बिल्डिंग और कुछ कमाल के मास मोमेंट्स इस फिल्म को कहीं ना कहीं एक अच्छी मास फिल्म बनाने में कामयाब रहती है। तो शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहले फर्स्ट हाफ से। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ मेरे लिए पर्सनली ठीक ठाक सा ही रहा था। ऑनेस्टली इंटरवल ब्लॉक को अगर छोड़ दिया जाए, उससे पहले तक कुछ बहुत ज्यादा चीजें फिल्म के अंदर मेरे लिए काम करती हुई नजर नहीं आ रही थी, पर जैसे ही फिल्म सेकेंड हाफ के अंदर जाती है, ऑनेस्टली वहां पर जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने समय लेते हुए, अच्छा खासा समय लेते हुए यहां पर अपने इस खानसार के इस जो साम्राज्य को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया है ना, वहां पर एक एक चीज को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, जिस तरीके से लिखा गया है, वो हर एक चीज सही में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और काबिले तारीफ थी। यहां के लोग जिस तरीके से यहां के नियमों और कानूनों को फॉलो करते हैं, उनसे खौफ खाते हैं, यहां की जो पॉलिटिक्स है, यहां का जो हिस्ट्री है, हर एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आता है। और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी भयानक दुनिया के अंदर जब देवा का कैरेक्टर 25 साल बाद एंट्री लेता है, वहां से मास मोमेंट्स के लिए जो बिल्डअप क्रिएट किया जाता है और उसके बाद जो पे ऑफ हमें देखने को मिलते हैं, वो सही में कमाल के थे। काली मां ने अपने बेटे को भेजा है, ये सीन जब फिल्म के अंदर आएगा ना, ऑनेस्टली अगर आप किसी मास थिएटर में बैठकर फिल्म को देख रहे हो ना, तो थिएटर हिल जाने वाला है। मेरा तो एक बार से मन भरा नहीं है, मैं शायद सिर्फ इस सीन के लिए इस फिल्म को जो है फिर से एक बार देख सकता हूं। ये जो खानसार नाम का जो साम्राज्य है, यहां पर कुछ भी ऐसे ही नहीं घटता है। इसकी हिस्ट्री से लेकर इसके प्रेजेंट तक हर एक चीज जो है बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही वैलिड नजर आती है। इवन यहां पर छोटी छोटी चीजों को भी अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल जो हाथ में जो कड़े यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, यहां पर अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइप के कड़े हैं, कोई वजनदार है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में कैरेक्टर का क्या पावर है, उसके ओपिनियन का क्या पावर है, उसे हमारे सामने रखता है। और इस चीज को जस्टिफाई करते हुए जब हमें एक सीन देखने को मिलेगा, वो सही में बहुत ही बेहतरीन था। हां, इसी बीच में जो प्रॉब्लम आपको देखने या फिर महसूस करने को मिलेगी वो ये है कि इस वर्ल्ड बिल्डिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं जो ड्रामा आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इवन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ड्रामा कह लो, कैरेक्टर्स के बीच की बॉन्डिंग कह लो, वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ डेवलप नहीं हो पाती है, जिस कारण से मैं पर्सनली जो है कहानी के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। बाकी अगर मास मोमेंट्स की मैं बात करूं, एलिवेशन वाले सीन्स की मैं बात करूं, तो ऑनेस्टली प्रशांत नील को सैल्यूट करने का मन करता है। आप देखोगे केजीएफ के अंदर यश के पास कुछ कमाल के मासी डायलॉग्स थे, प्रशांत नील के पास रवि बसरूर का कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक था, पर यहां पर सलार के अंदर प्रभास के पूरी फिल्म के अंदर हार्डली 5 से 6 डायलॉग्स जो है आपको क्लियर जो है यहां पर सुनने को मिलते हैं। ऊपर से रवि बसरूर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आते हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक उनके पिछले काम के स्टैंडर्ड को मैच करता हुआ नजर नहीं आता है, पर फिर भी यहां पर आप प्रशांत नील का कन्विक्शन देखिए, एक एक मास सीन को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, सीटियां और तालियां रुकने नहीं वाली है। काली मां वाला सीन तो था ही कमाल का, इसके अलावा जिस तरीके से शुरुआत में वो गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज के साथ प्रभास का वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी कुछ नेक्स्ट लेवल का आइडिया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर एक ज़ॉम्बी टाइप एक सेटअप जो है हमें देखने को मिलता है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अंडर यूटिलाइज नजर आया। वो आइडिया बहुत ही क्रेजी था, बट वहां पर जो एक्शन सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलते हैं, वो कुछ अप टू द मार्क नहीं जाते हैं। अगर उस सीन को प्रशांत नील अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं ना, तो आज थिएटर में हमें कुछ क्रेजी देखने को मिल सकता था, पर खैर वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर एक्शन सीक्वेंस के दौरान स्लो मोशन और कट्स का जो है थोड़ा सा कम इस्तेमाल अगर किया जाता, तो भी मैं कह सकता हूं बेटर होता। मैंने फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को देखा है, पर हिंदी डबिंग के बारे में ज्यादा कुछ टिप्पणी अभी मैं नहीं करने वाला हूं। डिटेल में बात तब करूंगा जब मैं इसके तेलुगु वर्जन को देख लूंगा, कुछ डाउट्स हैं मेरे, उसको जो है तेलुगु वर्जन को देखने के बाद ही जो है मैं उन पर बात कर पाऊंगा। बाकी गानों की अगर मैं बात करूं, तो गानों की जो धुन है वो काफी अच्छी सुनाई देती है, पर हिंदी वर्जन में जो लिरिक्स यहां पर लिखे गए हैं वो सही में बहुत ही बिलो एवरेज है, जो अच्छी धुन होने के बावजूद भी गानों को काफी फ्लैट बना जाती है। इसके अलावा जो डायलॉग्स यहां पर लिखे गए हैं हिंदी वर्जन के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर से फील होते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स अगेन काफी अच्छा है, क्लाइमेक्स भले ही थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल साइड पर जाता हुआ नजर आता है, फिर भी जिस तरीके से फिल्म खत्म होती है, वहां से ये फिल्म सेकेंड पार्ट के अंदर एक एपिक वॉर का जो है भरोसा दे जाती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म सलार कोई बहुत परफेक्ट फिल्म नहीं है, डेफिनेटली अच्छे
ड्रामा की गैर मौजूदगी में सेकेंड हाफ जो है थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा ड्रैग होता हुआ फील होता है, पर फिर भी कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर ऐसे काफी मोमेंट्स हैं जो इसे एक इंजॉयबल, एक अच्छी मास फिल्म बनाने में कामयाब रहती है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।